कल ही करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंड जनरेशन में हमारे पास कुछ इस टाइप के क्या आ रहे हैं रिजल्ट आए, जैसे कि कैपिटल के कैपिटल टी जिसको हमने टॉल कहा, सेकेंड भी टॉल हमने कहा, कैपिटल की स्मॉल टी, कैपिटल की स्मॉल टी, दो पार्ट आए थे हमारे पास। तो क्योंकि डोमिनेंट स्ट्रक्चर कैपिटल टी है इसलिए ये भी कैसे दोनों टॉल। थर्ड था ड्रॉप स्मॉल टी स्मॉल टी, तो इसलिए को अब इस चीज़ को हम इस रेशियो मिल सकते हैं 1/4, 1/2, 1/4। क्यों लिखा है हमने इसे, अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा आपने क्यों लिखा है। 1, 2, 3, 4 हमने एक से चार बनाए हैं तो ये उसका 1/4 पार्ट है, सेम ये भी उसका 1/4 पार्ट है, लेकिन इसके दो पार्ट है 4 के, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। जैसे कि ये आप देख लो ये तीन टॉल हैं इसलिए ये 3, ठीक है, ये 1 सिंगल है तो इसको हमने लिखा था 1, लेकिन ये फिनोटिपिक है। कैसे है ये वाले फिनोटिपिक, जबकि ये वाली जो हमने देखी है ये है जीनोटिपिक। जीनोटिपिक क्यों, क्योंकि ये प्योर ब्रीड है 1, ये प्योर ब्रीड है 1, ये हाइब्रिड है 2, ठीक है। इस चीज को मैंने आपको कहा कि हमारे जो साइंटिस्ट थे मेंडल, उन्होंने मैथमेटिकल या स्टैटिकल का भी यूज करके इस चीज को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में देखा था सारे ये तो प्योर ब्रिड हाफ है और प्योर ब्रिड रिसेसिव की हाफ है, तो उस बेसिस पर उन्होंने कहा हाफ कैपिटल प्लस हाफ रिसेसिव का होल स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप मैथ्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 की, उसी के थ्रू इन्होंने पूरी तरह से इस इक्वेशन को भी सॉल्व किया। इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में ये 2 इसके साथ कट गया, ठीक है, तो क्या बचा 1/4 स्क्वायर है, तो 4 टी का स्क्वायर प्लस ये दोनों टी तो कट गए, ये वाला टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्लस 4 स्मॉल टी का स्क्वायर, तो 1/4 टी एंड टी क्योंकि दो हैं इस तरह से ले सकते हैं, प्लस 1/2 टी एंड टी प्लस 1/4 टी एंड टी, बिल्कुल यही रेशियो उन्होंने मैथमेटिकली आपको सॉल्व करके बताई है। इसलिए उन्होंने अपनी जो जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने स्टैटिकली बेस पर और मैथमेटिकल बेस पर पूरे एक्सप्लेन किए हैं, प्रूफ किए हैं, इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट्स को आगे बहुत ज़्यादा मान्यता मिली, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक टर्म है टेस्ट क्रोस। टेस्ट क्रोस का मतलब है कि जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं उसको हम अपनी इच्छा से किसी की थर्ड के साथ क्या करा सकते हैं, क्रॉस कराए, तो उसमें टर्म यूज करते हैं टेस्ट क्रोस। फॉर एग्जाम्पल जैसे F2 जनरेशन में हमारे पास क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, उसको हमने अपनी इच्छा से ड्रॉप की प्योर ब्रीड के साथ क्या कराया, क्रॉस कराया, गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट बनेंगे स्मॉल टी क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो आप देखेंगे दो टॉल एंड दो क्या बने हैं, ड्रॉप बने हैं। इस चीज़ को आपकी बुक में व्हाइट एंड रेड कलर फ्लावर ठीक डिनोट किया गया, आप उस एक्सपेरिमेंट को भी ले सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितनी भी ब्रीड आई हैं ये नेक्स्ट, ठीक है ना, ये जो ऑफस्प्रिंग आई हैं वो कैसी हैं, हेट्रोजाइगस है, मतलब दो डिफरेंट उससे मिलकर बनी है। अब हम बात कर रहे थे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है या किस बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। देखिए करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, ठीक है, ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि टॉल आ रहा है ड्रॉप आ रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइप का फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर अकर इन पेयर, ऑलवेज किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अगर फैक्टर कैसे हैं डिसिमिलर है तो उसमें से कोई एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा और उसका अल्टरनेटिव ऑलवेज रिसेसिव होगा, तो वन इज डोमिनेंट एंड नेक्स्ट इज रिसेसिव, तो ये मेन टर्म्स हैं कि जिसकी वजह से डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से डोमिनेंस करेक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आज आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट, थैंक यू क्लास।